नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं अजय भारत। मैं हूं तनुप्रिया। नए साल की शुरुआत हो चुकी है और राजनीति भी अपने चरम पर है। इसी साल विधानसभा चुनाव भी बिहार में होने वाला है और उसको लेकर के अब जो राजनीति है चरम पर है। 19 जनवरी को मुख्यमंत्री मानव श्रृंखला निकालने वाले हैं और उसको लेकर आरजेडी के एक नेता ने बड़ा बयान दिया है। आरजेडी के नेता विजय प्रकाश ने कहा है कि बच्चों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है, हालांकि मानव श्रृंखला में बच्चे भी शामिल होंगे। जिसके बाद आरजेडी नेता विजय प्रकाश ने कहा है कि बच्चों का सहारा लिया जा रहा है, उनकी जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मानव श्रृंखला में मानवों का श्रृंखला होना चाहिए जो 25 साल से ऊपर के हैं। जब स्कूल में पढ़ने वाले छात्र इसमें हिस्सा लेंगे, हालांकि ठंड भी काफ़ी है और ठंड ज़्यादा होने की वजह से कई बच्चे फेंट खा के नीचे गिर जाते हैं। जिसके लिए जो आरजेडी नेता विजय प्रकाश ने सवाल उठाया है और उन्होंने कहा है कि मानव श्रृंखला बनाने के लिए मुख्यमंत्री बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। बता दूं कि इसी साल जनवरी में 19 जनवरी को मानव श्रृंखला निकाला जाएगा और साथ ही साथ बिहार में जनजीवन हरियाली, स्वच्छ वातावरण, बाल विवाह, दहेज उन्मूलन और कई अहम मुद्दे को लेकर, विषयों को लेकर ये मानव श्रृंखला निकाली जा रही है। और इसमें 16,298 किलोमीटर लंबी ये श्रृंखला बनाई जाएगी। शिक्षा विभाग पटना में आयोजित हुई बैठक में ये फैसला लिया गया कि तमाम स्कूल के जो बच्चे होंगे, साथ साथ शिक्षक भी इसमें शामिल होंगे। मुख्य सचिव आरके महाजन ने मानव श्रृंखला को लेकर जिले के आई तमाम रिपोर्टों की उच्च स्तरीय समीक्षा की और जिसके बाद पूरे प्रदेश में होने वाले इस मानव श्रृंखला का रूट सभी जिलों में तय कर दिया गया है। 19 जनवरी को ये मानव श्रृंखला निकाली जाएगी और तमाम वरे विषय जिसमें जल जीवन हरियाली कार्यक्रम, नशा मुक्ति, दहेज प्रथा एवं बाल विवाह उन्मूलन को लेकर 19 जनवरी को बनने वाले इस मानव श्रृंखला के लिए सभी जिलों के जिला पदाधिकारी ने अपने अपने जिलों में बनने वाले मानव श्रृंखला के रूट, साथ ही साथ जो सुरक्षा व्यवस्था है उससे भी संबंधित तमाम जो रिपोर्ट है शिक्षा विभाग को सौंप दी गई है। और 19 जनवरी को ये मानव श्रृंखला निकाला जाएगा और जिसके बाद कह सकते हैं राजनीति भी इस पे होनी शुरू हो गई है। इस पे आरजेडी के नेता विजय प्रकाश ने बयान दिया है। उन्होंने ये सवाल भी उठाया है कि इस मानव श्रृंखला में बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ठंड काफ़ी है और जिसमें स्कूल के तमाम जो बच्चे हैं ये इसमें शामिल होंगे। हालांकि ये भी बात कही गई थी कि 1 से 4 क्लास के बच्चे स्कूल के कैंपस के अंदर ही श्रृंखला बनाएंगे और वहीं 4 क्लास से ऊपर वाले बच्चे स्कूल के पास ही श्रृंखला बनाएंगे। लेकिन इस पे आरजेडी नेता विजय प्रकाश ने सवाल उठाया कि बच्चों के जान से यहाँ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी इस पर जेडीयू क्या कुछ जवाब देती है। 19 जनवरी को यह मानव श्रृंखला निकाला जाएगा और पूरे बिहार में इसको लेकर के कई जगह तैयारियां भी की जा रही है। सुरक्षा की भी जो व्यवस्था है वो मुकम्मल कर ली गई है, लेकिन जिस तरीके से इस पर राजनीति शुरू हो गई है इस पर देखने वाली बात होगी कि जेडीयू क्या कुछ इस पर जवाब देती है। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए अजय भारत।